नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रंजना वेस्टफूड चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? ऐसा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बना करके आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आप लोग देख लीजिए दोस्तों कि आम कितना अच्छे तरीके से बवरा है। ये आम जो है दोस्तों कलमी आम है और काफ़ी बड़ा बड़ा सा बाव लिया हुआ है। आम भी काफ़ी बड़ा बड़ा सा फरता है। आप लोग के साथ शेयर करने वाली ही महुआ की रेसिपी, तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आज मैं आई हूँ महुआ के पेड़ के पास, तो यहाँ पर बहुत ढेर सारा महुआ जो है कि गिरा हुआ है और गिर भी रहा है, क्योंकि जब धूप हो जाती है तभी महुआ गिरता है। तो आज सुबह सुबह हम महुआ के पेड़ के पास आए हुए हैं। पेड़ क्या दोस्तों, बगीचे में आए हुए। यहाँ पर ढेर सारा महुआ का पेड़ है, तो आइए आप लोग भी देख लीजिए दोस्तों कि महुआ किस तरीके से गिरा हुआ है। देखिए इधर कितना ढेर सारा गिरा हुआ है, और उधर आप लोग देख सकते हैं। देखिए सभी लोग बिनने के लिए आए हुए हैं, तो सभी लोग बिन रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कम से कम 27-28 पेड़ है महुआ का। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरीके से पूंछ तैयार हुआ है, तो इसको पूंछ बोलते हैं। तो इसी में से महुआ जो है गिरता है। देखिए अभी गिर रहा है, क्योंकि जब धूप हो जाती है तभी महुआ ढेर सारा गिरता है धूप होने की वजह से। तो देखिए जमीन पर कैसे बिछाया हुआ है, एक तरफ से देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों सभी लोग यहाँ पर आए हुए महुआ बीनने के लिए, तो मैं भी आई हुई हूँ। मैं भी यहाँ से महुआ बीन लेती हूँ। तो महुआ जो होता है दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है, रेसिपी बना करके खाना चाहिए। तो महुआ का सीजन चल रहा है, तो आप लोग भी बना करके खाइएगा। तो देखिए मेरी असली भी मेरे साथ में आई हुई है। महुआ जो है दोस्तों एक बार बिना चुका हुआ है, तो कम से कम 4-5 पल रहा महुआ निकलता है। तो अभी भी गिर रहा है महुआ। तो सभी लोग महुआ बीन करके एक जगह पर रख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सभी लोग एक साथ होकर के महुआ बीन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा साफ है, एकदम चिक्कन जगह पर महुआ जो है गिरा हुआ है। देखिए कितना ढेर सारे लोग मिल करके महुआ बीनते हैं, क्योंकि महुआ ढेर सारा गिरता है दोस्तों, तो अकेले बीनने में उबियान छूट जाता है। तो इसीलिए देखिए सभी लोग मिल करके बीनते हैं महुआ को। तो कितना जल्दी जल्दी देखिए सभी बच्चे लोग बीन रहे हैं महुआ को। तो इतना सारा महुआ मैंने लिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए इतना सारा महुआ लिए हुए हैं। तो अभी इसको लेकर चलते हैं घर पे और इसकी बहुत बढ़िया रेसिपी बना करके आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं घर पे। महुआ को हम पहले धुल करके साफ कर लेते हैं। महुआ को हमने धुल करके साफ कर लिया हुआ है। ज्यादा नहीं धुलेंगे दोस्तों, नहीं तो इसका जो मीठापन है वो निकल जाएगा। तो अब इसको हम गारेंगे दोस्तों, इसको गार करके इसका रस निकालेंगे। सभी महुआ को मैंने अच्छे से मसल करके इसका रस निकाला हुआ है, तभी हम इसको ऐसे गारेंगे। देखिए कितना ढेर सारा इसमें से रस निकल रहा है, ऐसे गारने पर भी एकदम से मैंने इसका रस गार लिया हुआ है, तभी इसको हम रख देते हैं।
इसका रस अब हम छानेंगे। तो देखिए रस इतना ढेर सारा निकला हुआ है हमारा, तो इतना मैंने लिया हुआ है गेहूं का आटा, तो आटा को हम इसमें डाल करके घोल तैयार करेंगे। थोड़ा डाल करके इसको हम फेटेंगे। तो इसको हम हाथों से फेंट ले रहे हैं, तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, अच्छे से ये आटा जो है दोस्तों अच्छे से फूल जाता है, तो जो है हमारा गुलगुला अच्छा बनेगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं। आग मैंने चूल्हे में जला लिया हुआ है, तो इसके ऊपर कढ़ाई रख देती हूँ और इसमें मैंने तेल डाल लिया हुआ है। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हम गुलगुला बनाना शुरू करते हैं। गुलगुला हमारा कितना फूला फूला सा बन रहा है। तो देखिए दोस्तों कितना फूला फूला सा हमारा ये गुलगुला बन गया है। सभी ये पक चुका है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। गुलगुला हमारा पक गया है, जिसको मैं निकाल लेती हूँ। बनाने से कुछ समय पहले आप इसको रख देंगे गेट करके, तो ऐसे ही फूला फूला आपका भी गुलगुला बनेगा। तो बिल्कुल पूरी की तरह फूला फूला सा हमारा ये गुलगुला बनके तैयार हो रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं सभी गुलगुला को छान लेती हूँ। देखिए दोस्तों अश्वी मेरी कितना ढेर सारा मस्ती कर रही है, गड़ारी की देखिए ऊपर पैर रखी हुई है, देख लीजिए कितना ज़्यादा ये मस्ती करती है। पैर नीचे रखने की बजाय ये ऊपर डाल करके देखिए, एक पैर ऊपर रखी एक नीचे। अश्वी ये क्या कर रही हो बेटा, गिर जाओगी, लग जाएगा ना, ऐसे कौन खेलता है। तो हमारा गुलगुला जो है बनके तैयार हो गया है। तो मैंने ढेर सारा बनाया हुआ था दोस्तों, मैं बनाती गई, सभी लोग खाते गए, तो अभी इतना सारा बचा हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा गुलगुला बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।